आपने देखा होगा दो तरह के वर्क मिलते हैं, चांदी का वर्क और सोने का वर्क। क्यों दो तरह के ही वर्क क्यों मिलते हैं? क्या लोहे का वर्क नहीं मिल सकता आपको? क्या कॉपर का वर्क नहीं मिल सकता? तो आप कहेंगे नहीं भाई, कॉपर का वर्क नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हर एक मेटल की अपनी एक अलग टेंडेंसी है। चांदी और सोने की ये टेंडेंसी होती है कि आप उन्हें पीट पीट कर एक बारीक शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। बारीक शीट में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं मैलियबिलिटी, है ना। अगर आपने इसको पीटना नहीं है और खींच के तार बनाना, तो तार बनाना ये कहलाता है डक्टिलिटी। तो सोना और चांदी ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनकी डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर। यही क्वेश्चन में पूछ रहा, मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स कौन कौन से हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। चलो आगे चलते हैं।